शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आगर के सरकारवाड़ा चौराहा पर मृत बालिका नाबालिग लड़की के पार्थिव शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि आगर के लक्ष्मणपुरा निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 26 तारीख की सुबह 4 बजे से घर पर बिना बताए घर पर एक पत्र लिखकर कहीं चली गई थी। पत्र में एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, जिसके दो दिन बाद आज आगर के मोती सागर तालाब के पास स्थित कुएं से बालिका का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसका पुलिस व नाबालिग बालिका के परिजनों की मौजूदगी में शव का पीएम किया गया। इसके बाद बालिका के परिजन व विहिप के कार्यकर्ता शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आगर नगर के सरकारवाड़ा चौराहा पर बालिका का पार्थिव शव रख कर धरना प्रदर्शन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आगर मालवा से मांगीलाल सोनी की रिपोर्ट, खबर इंडिया 24 न्यूज़ के लिए। प्रशासन को 3 दिन हो गए थे बैंक में यहाँ पे लाभ आता हुए। उस समय प्रशासन को हमने जाकर कल जाकर जब जहाँ थाने का घेराव किया, उसके बाद प्रशासन ने हमारा पूर्ण तरीके से साथ दिया है। और मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था उसने और मुस्लिम समुदाय के द्वारा बहन की जो हत्या हुई है, इसके लिए अगर जो 4 व्यक्ति बहन के घर पर गए थे धमकी देने के लिए, उसमें से प्रशासन ने 2 व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया। हाँ, क्यों छोड़ा? और वो जो 2 व्यक्ति को छोड़ दिया है वो तुरंत उनके ऊपर हथवार डालनी होनी चाहिए और अभी उनको हमें उठाना चाहिए। ये 26 तारीख की बात एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, सचिन नीचे नाबालिग लड़की गुम हो गई, उस पर अपराध दर्ज किया गया और विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान की लाश बड़ा तालाब के पास कुएं में पीएम कराया गया और एक पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, उसको जांच की जा रही है। हमारे हिसाब से आए उसको सौरक्षण प्रदर्शन किया है हमने मार्केट में और उन लोगों का पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि जो कानूनन जो कार्रवाई सख्त का अभी परिवार का जो आरोप है सख्त से बात कर रही है, इसके संबंध में साक्ष्य दिया है। सर परिवार आरोप लगा रहा मकान और दुकान तोड़ने का। मकान दुकान तो नियमानुसार होगा,